देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन ग्रेजस एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगी है, जिसमें देरी होने पर मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को ₹250 तक का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। अब आपको यह ट्रेन देखकर लगता होगा कि इसका मालिक कौन है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस का मालिक भारतीय रेलवे ही है। उसने उस ट्रेन के टिकट बेचने और कैटरिंग सिस्टम को IRCTC को किराए पर दे दिया है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के ट्रैक पर चल रही है। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे के लोको पायलट और गार्ड चला रहे हैं। ट्रेन की कंट्रोलिंग पूरी तरह से भारतीय रेलवे के सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर के हाथ में है। ट्रेन का प्रोटेक्शन भारतीय रेलवे का RPF स्टाफ करेगा। ट्रेन भारतीय रेलवे के स्टेशनों से गुजरेगी और उन्हीं स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर रुकेंगी। IRCTC की हैसियत एक किराएदार से ज्यादा नहीं, यात्री उस किराएदार के मेहमान है। इसके लिए भारतीय रेलवे और IRCTC के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें विभिन्न शर्तों का उल्लेख है। IRCTC भारतीय रेलवे को एक तयशुदा हालेज चार्ज देगी।